श्री श्याम सेवा मंडल और श्री महावीर मंदिर के तत्वधान में सोमवार को एकादशी के अवसर पर महावीर कुटिया मंदिर से भगवान लज्ज गोपाल की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गोद श्रृंगार कार्यक्रम भी किया गया। शोभा यात्रा पूरे शहर में नगर भ्रमण करते हुए पुनः महावीर कुटिया मंदिर पहुंची, जहां भगवान कृष्ण का पूजन कराकर पुनः मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और शोभा यात्रा में शामिल हुए। बताया गया कि आज रात्रि से 24 घंटे का अखंड कीर्तन शुरू हो जाएगा, जो कल तक चलेगा। मौके पर मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष राजेश जालान, उपाध्यक्ष नीलकमल भरतिया, पप्पू गोयंका, मीठी खंडेलवाल, मुस्कान मोनू केडिया गोपाल, जंकाईज आचार्य राजू पंडित जी, आशीष दती, शाहिल शर्मा, नीलू केडिया मंडल के अध्यक्ष संजय बुदोलिया, बाके बिहारी शर्मा, मुकेश जालान आदि भक्त मौजूद थे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज के दिन श्याम सेवा मंडल व श्री महावीर कुटिया मंदिर के तत्वाधान में जल झूलनी एकादशी, जिसे कि हम लोग और बाबा का ज्योत श्रृंगार जो भादो की 11 में एकादशी में शोभा यात्रा निकालते हैं, और साथ में कृष्ण भगवान की पालकी चल रही है, यह कुटिया मंदिर से निकल के कुटिया मंदिर में ही समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात रात्रि 10 बजे से बाबा का 24 घंटा का अखंड कीर्तन व ज्योत का कार्यक्रम पूजा शुरू हो जाएगी।